हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद किया आप लोग ठीक है, स्वस्थ है। और दोस्तों आज मौसम बहुत ठीक है, एकदम पूरा हवा चल रहा है। कल नहीं, परसी बारिश भी हुआ है। हाँ। इस वजह से दोस्तों देखिए, हम लोगों का अभी पसीना नहीं है, हम नहा धो के फ्रेश हो गया, सुना भी नहा लिया है, धूप भी नहीं है। हाँ। पर बारिश भी नहीं हुआ है, परसों हुआ था और तो भी आज हवा चल रहा है, काफी चल रहा है, काफी काफी ठंडा हो गया पहले से। अच्छा लगा है रहने से आज दोस्तों। और सोना ने भी नहा धो के रेडी हो गई सोना है। सोना मैं नहा धो के रेडी हो गया, हस्बैंड अभी तक नहाया नहीं, नहाएगा अभी ना। अभी नहाएगा। और मैं ब्रेकफास्ट भी बनाया नहीं, अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट क्या खाएगा सोना? क्या खाएगा? रोटी खाएगा सोना, रोटी और आलू भुजिया खाएगा दोस्तों। और आलू भुजिया भी मैं काटूंगी, थोड़ा सा काट के आया है और काटूंगी। तो सोना और खेलेगा ना, टीवी देखेगा, एबीसीडी देखेगा। हाँ। और तो मैंने क्या किया है कि टीवी पे रिचार्ज नहीं किया, टीवी पे ही पेन ड्राइव के अंदर कुछ कुछ डाउनलोड करके सोना को दिया है पढ़ने लिखने का ही, तो सोना वही देखती रहती है और उसी से थोड़ा बहुत करके सीख रही है। क्योंकि अगर कार्टून वगैरह लगा दूंगा तो ठीक है, उसका लैंग्वेज इम्प्रूव होगा, पर है का तो कुछ उसके अंदर होता नहीं है कार्टून के अंदर। तो उसको ए बी सी डी का लगा दिया है और राइनिश के जो राइम्स हैं वो डाउनलोड कर दिया है उसको, और कुछ दूसरे पोएम्स भी है हिंदी के, वो भी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें उसको डाउनलोड करके टीवी के अंदर ही पेन ड्राइव पे लगा दिया है, तो उसी से वो पढ़ती रहती है। हस्बैंड जब काम पे गया है उस टाइम मैं क्या करूँ, सोना को अकेला छोड़ने के लिए भी डर लगा है और टीवी लगा के गया है और मेरा काम। एक चीज़ है, सोना कार्टून देखती भी नहीं है, उसके लिए रिचार्ज किया था बीच में, पर यह है कि वो देखती ही नहीं है। और नेहा जी को तो टाइम मिलता नहीं है इतना टीवी देखने का, और मेरे पास तो मैं सुबह निकल जाता हूँ जब, तो वैसे भी टाइम नहीं रहता है, और रात को आके टीवी देखने का इंटरेस्ट भी नहीं रहता है कुछ। टीवी पहले से देखा है, सीरियल देखा है काफी सीरियल। पहले तो नेहा जी पूरा सीरियल ही देखती रहती थी जब सोना नहीं थी तब। तब तो इतना काम था नहीं, क्योंकि सुबह काम निपटा के पूरा दिन सीरियल देखती रहती थी, वो एक आदत बन गया था, पूरा आदत बन गया। तो सोना जब पैदा हुआ उसके बाद ही दो तीन बार रिसर्च किया, लेकिन टाइम नहीं मिला है और हस्बैंड को बोला सोना के साथ लगे रहना पड़ता है तो टाइम मिलता भी नहीं है। और टीवी से टाइम पास करने से अच्छा सोना के वो पढ़ाना, सोना के साथ खेलना, वो सब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए जब टाइम मिले सोना का साथ खेला है, सोना को थोड़ी देर पढ़ाई किया है, ऐसे ऐसे हम लोग काम खत्म ही हो गया, रात हो जाते हैं। हाँ। यार की बार हस्बैंड आया है, ऐसे ऐसे पूरा दिन गया है और इसीलिए रिसर्च भी नहीं किया है। और सोना को भी कार्टून के लिए है रिसर्च किया, सोना तो कार्टून देखा ही नहीं है, सोना जो पापा ने डाउनलोड करके दिया है। और एक काम किया है जो सोना का दो तीन महीना की बात, इतना टाइम से सोना का हम लोग मोबाइल पे सोना को वीडियो करके करके रखा है। और एक चीज़ है कि सिर्फ टीवी देखते रहने से तो नहीं होगा, क्योंकि सोना के साथ खेलने के लिए भी यहाँ कोई छोटे बच्चे है नहीं, तो हमारे साथ ही खेलना पड़ेगा उसको। तो इस वजह से अगर हम टीवी पे बिज़ी हो जाएंगे तो वो बोर हो जाएगी या उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से हम उसके साथ खेलते रहते हैं और टीवी पे हम ध्यान देते नहीं है इतना ना। और सोना जब छोटी थी काफ़ी, तब उसके कुछ वीडियो बनाए हुए थे हमने, तो वो सब जो है पेन ड्राइव में डाल के टीवी में उसको दिखाते हैं, उसको काफी अच्छा लगता है छोटे। सोना देख देख के पूरा हंसी आया है। वो कौन है मम्मी, कौन है, कैसा कौन लड़की है, उसने कौन लड़की है पूछा है। और एक दिन पूछा क्या कौन लड़ा है, कौन लड़का है, लड़ा है आसामिस में बोला, कौन लड़ा है, कौन लड़का है पूछा है। और उसने देख देख के कभी खुशी आता है और पापा को भी बोला है लड़की का फोटो लगा दो, वीडियो लगा दो, ऐसे कहा। तो अब मैं रेडी भी करूँगी ब्रेकफास्ट ना बेटा, दोस्तों मैं रेडी करूँगी, कर दो। हाँ टाइम भी हुआ है, हुआ नहीं मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो भी खाने के बाद बनाने के बाद हो जाएगी। हाँ और हस्बैंड को आजकल पानी भर खाने के बाद ही हस्बैंड बोला है मुझे जल्दी मुझे भूख लगा है। और आज एक काम करे ना, तुम जो नहीं नहीं मैं पूरी बनाऊंगी अभी रोटी नहीं, क्यों क्या है खाओली बनाया ना, आज टेस्ट करेंगे क्या? हाँ करेंगे, चलो। हाँ। रोटी के साथ ही टेस्ट कर लेंगे। हाँ, हाँ,
नेहा जी के पास ही खेलती रहेगी, वो तो रोटी बनाने के टाइम थोड़ा सा आटा ले लेती है और फिर खेलती रहती है। तो चलिए दोस्तों मैं भी नहा लेता हूँ, चलो सोना। दोस्तों देखिए नेहा जी किचन पे तो आ गई है और कुछ रोटियां बना भी ली है। हाँ। कितना रोटी बनाए? दो रोटी बनाए। दो रोटी बन गया है, तीन रोटी हुआ और साथ में आलू का भुजिया बनाया। आलू का भुजिया, आलू भुजिया तो हो गया कंप्लीट और दो तीन मिनट से हो जाएगी। हाँ। आलू भुजिया तो रोटी का साथ खाने से तो पापा जैसा होने से ठीक लगेगा, थोड़ा अच्छा लगता है, कुरकुरा होने से अच्छा लगेगा, इसीलिए तो थोड़ा लो फ्लेम करके बनाया दोस्तों। रोटी भी ज्यादा नहीं बनाए ना, जल्दी बन ही जाएगा। हाँ। हो जाएगी, अभी तो लगभग हो ही गया है और तीन रोटी बाकी है ना, हो जाएगी। हाँ। और सोना भी यही खेल रही है कुछ मम्मी के पास, कुछ ना कुछ मेरे आने से तो वो गोद में उठने का इच्छा करने लग जाती है। ये देखिए हो ही गया है लगभग। हाँ। एक बार खिला लो ना। हो ही गया, रोटी भी हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आज तो नेहा जी फूले फूले रोटी बना रही है। आज नहीं है, तुम कैसे बोले? हाँ, मैं तो फूले रोटी बोले है और हाजन बोला है आज बनाया है, मैं हमेशा रोटी फूले फूले बनाया है। डियो डियो, मैं अभी नहा लेता हूँ, ठीक है जाओ। दोस्तों ये देखिए नेहा जी ब्रेकफास्ट लेके आई है और सोना मेरे पास बैठी हुई है। आजा बेटा इधर आ। सोना यहाँ बैठी हुई है ब्रेकफास्ट के इंतजार में पहले से ही, और सोना का पापा भी बैठे हैं। ये देखिए सोना ने ब्रेकफास्ट दिखा भी दिया आप लोगों को। ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ करो करो, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करूँगी। दोस्तों देखिए सोना ब्रेकफास्ट करने लगी है, आजकल खुद आजकल वो खुद खा पाती है। सीखा है थोड़ा-थोड़ा, तो सीखना पड़ेगा, अभी स्कूल जाएगी ना, खाओ। और आगे ला। और सोना कैसा लगा खा के? मजा लगा है। सोना को तो आलू भुजिया पसंद है ना, बाकी चीज खाया ही नहीं है, सिर्फ आलू भुजिया और दाल खाता है ना। खाओ खाओ। चलिए दोस्तों हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये देखिए उस दिन जो बनाया था सरसों का, उसको हाँ चार दिन हुआ है, तो उसको खोल के थोड़ा देखते हैं किस तरीके का हुआ है और टेस्ट कैसा हुआ है, ये देखते हैं। नहीं एक हफ्ते के करीब लग जाता है अच्छा होने में। चलिए थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। कभी तो टेस्ट होने से तो खाऊं नहीं, देखना भी जरूरी है। गर्मी सीजन ना, गर्मी सीजन से तो ज़्यादा जल्दी होता है, देखना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों इतना सा लिया है, देखूंगी ट्राई करके, अभी बांध के रखूंगी। ये देखिए इतना सा लिया है, इस तरीके का हो गया, अब खा के देखेंगे कैसा लगता है। दोस्तों ये देखिए खाना पीना खा लिया, ब्रेकफास्ट हो गया है हो गया हमारा। और दोस्तों ये जो सरसों का बनाया था ये अभी पका नहीं है और दो दिन लगेंगे इसको, अभी तो चार दिन हुआ था। तो देखिए आज का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, पर अभी तो हवा चलना बंद हो गया, पहले तो हवा चल रहा था ज़्यादा। लिखो। और ये देखिए नेहा जी आ गई है शरबत लेके के। दोस्तों बेर का शरबत पीने में काफ़ी मज़ा आता है, नींबू के शरबत से ज़्यादा अच्छा लगता है और इमली का भी अच्छा लगता है। हाँ, इमली का भी अच्छा, इमली का भी काफ़ी पसंद आता है, बहुत टेस्टी है, इसीलिए धीरे धीरे पी रहा हूँ टेस्ट ले लेके। काफी डिश बना के खिलाया, अनकमन अनकमन दोस्तों, मजा आ गया। सही है तो, और खाने में क्या क्या बनाऊँ दोस्तों, मुझे किचन का काम सोचने से बहुत डर लगा। कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, दाल बनाऊँ क्या बनाऊँ, थोड़ा बहुत बना लेना, कुछ भी नहीं। वैसे खाने का इच्छा भी नहीं है, मछली भी नहीं है, खाना खाने का इच्छा भी नहीं है दोस्तों। घर में मछली देखिए बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, कल खत्म हुआ था, कल कल खत्म हुआ था, बहुत दिन हो गया है। कल मिलो काम है क्या? हाँ और
सोना देखिए ब्रेसलेट दिखा दीजिए अपना। दोस्तों बार बार बोला है दोस्तों को ब्रेसलेट दिखाने के लिए, माँ पापा को बोला है ब्रेसलेट दिखाने के लिए बार बार। देखिए सोना को एक ब्रेसलेट लाके दिया था मम्मी ने, तो वो बार बार दिखा रही है। और दोस्तों सोना का वीडियो आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगा है। बेटी है दो साल से मेरा, लेकिन सोना ने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है। ज़्यादा नहीं है, कम समय बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर देखिए सोना का ब्लॉग, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सोना का ब्लॉग में। बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड और मैं बोला है हम बेटी है ना, उसका ब्लॉग देखने से काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आप लोग भी ज़रूर देखिए सोना का ब्लॉग। और दोस्तों और देर नहीं करूँगी, मेरा दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया, और आज के लिए इतना ही है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। आज के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय बाय।